Starting with the great and glorious name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Good morning and assalamu alaikum. शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कहो, मैं पनाह मांगती हूँ सुबह मदद के रब के, शर से इन चीज़ों की जो इसने पैदा की, और शर से अंधेरे की जब वो छा जाता है, और शर से फूकने वालों की गरोहों में, और शर से हासिद की जब वो हसद करता है। सदक अल्लाह अल्लाह। Say, I seek refuge in the Lord of bravery from the evil of what He created, and from the evil of what, and from the evil of darkness when it settles, and from the evil of lovers in naught, and from the evil of an envious when he envies. Sadaq Allahu Alazim. So for message of today, I would like to invite Salman Rosh. Pakistani nurse who helped save the lives of our 16,000 children.
She was the most active philanthropist in Pakistan. She was the co-chair of the ED Foundation, a charity organization that provided many services in Pakistan. She was died on 15 April 2022. Thank you. Good morning, Felix. Good morning, sir. Clap for support. अपनी जो आदतें अभी आपने संवार ली हैं, बना ली हैं, वो परमानेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 5 वक्त की आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान पाक भी पढ़ रही हैं, अपने ड्रिल साफ, अपने इंस्ट्रक्टर्स, अपने टीचर्स, अपने सीनियर्स के साथ बड़े अच्छे मैनर्स, बड़े अच्छे चलन आपके साथ, अदब आदाब, ओबीडियंस, कंप्लायंस, हर चीज़ शो कर रही है। बट एज लॉन्ग एज यू रीच योर होम फॉर हॉलीडेज, 10 दिन, 8 दिन, हफ्ता, 4 दिन, वहाँ उसी तरह बदतमीज, वहाँ उसी तरह अनटाइडी, वहाँ उसी तरह अनसिविलाइज, वहाँ उसी तरह अनकल्चर्ड और डिसओबीडियंट। आई हैव रिसीव सेवरल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द पेरेंट्स दैट यू आर गोइंग टू अ गुड पेडेस्टल ऑफ सक्सेस फॉर देम, यू आर गिविंग गुड ट्रेनिंग टू देम, बट एज लॉन्ग एज दे हैव रीच देयर होम्स, दे हैव स्टार्टेड द प्रीवियस रोड स्टेप where they didn't offer prayers, where they didn't comply to the parents, where they didn't properly follow the daily routine. घरों में जब आप में से कई एक महारानियाँ गई हैं जिनके माओ ने मुझे कॉल किए कुछ महारानियों की कि उसी तरह बदतमीज नमाज भी पढ़ी और सिर्फ 2-2 बजे तक सोई पड़ी हैं और जिस तरह का इनका पुराना वतीरा था, तौर तरीके थे, बैड हैबिट्स थी, वही अपनाई। फ्यू ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, but it is not efficient. The habits must be maintained on a permanent ground. आपकी जो आदतें अभी बन रही है नमाज पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की, कंप्लायंस देने की, अपने सीनियर्स के साथ बड़े अच्छे डिमीनर के साथ पेश आने की, they must be constant. ये permanent होने चाहिए। Pretentious morality we don't require. कि आपकी pretentious morality दिखाने का गोल हो कि यहाँ तो बहुत अच्छे हैं, that's wonderful. हम कहें कि जनाब ईशा से अच्छी बच्ची कोई नहीं है, हम कहें कि जो है वो दूर से अच्छी बेटी कोई नहीं है, शहरी से अच्छी बेटी कोई नहीं है, बट एज लॉन्ग एज दे रीच देयर होम, देयर ओन डोमेन, देयर ओन कम्फर्ट जोन, ये उसी तरह के उसी तरह घबराए जाए टू बी सिविलाइज फॉर परमानेंट, हमेशा के लिए। इसी तरह आप लोग का माइंड इस शार्प है, अल्हम्दुलिल्लाह। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि दुनिया की जो ब्रिलियंट लोग, ब्रिलियंट लोग, उनका 23% दबाव था, जो ब्रिलियंट लोग होते हैं और जो एक्स्ट्रा जीनियस होते हैं उनका 27% दिमाग का होता है, यानी 73% आपने उस तरह बिन पैक वापस लेकर जाओ, और लेकिन दिमाग की डायनामिक्स अल्लाह तआला ने ऐसे बनाई है, इसको जिस कदर ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, इट बिकम ज़्यादा शार्पर दैन टू रिटायर और दैन टू रिटार्ड। तो दिमाग को जिस कदर ज़्यादा आप फोकस करेंगे, अपने पेडेस्टल ऑफ लर्निंग की तरफ लेकर आएंगे, आप उस कदर ज़्यादा ब्रिलियंट बनेंगे। तो बजाय इसके कि अपना जो भेजा है इसको पिन पैक उसी तरह ये तबक जाए दुनिया में, इट इज़ क्वाइट बेटर कि इसके ऊपर जोर डालना शुरू करें। तो इंशाल्लाह आपकी स्टडी इज नथिंग, इट इज़ नथिंग फॉर यू, कुछ भी नहीं है। जितने आप लोग ब्रिलियंट हैं, जितने आप लोग प्रोएक्टिव हैं, जितना आप लोगों का दिमाग चलता है, जितने आप लोग हाइपर एक्टिव हैं अपनी स्टडीज की तरफ, एज द पीपल अक्रॉस पाकिस्तान, दे आर लुकिंग एट दैट पार्ट ऑफ कॉलेज एंड ओपन,
अपने आप को प्रूव करो, आपका डिसिप्लिन अच्छा प्रूव हो रहा है, आपके तस्वीरें सोशल मीडिया पर जाती हैं, पीपल एडमायर एंड अप्रिशिएट दैट दे आर वेरी डिसिप्लिन पीपल, दैट्स रियली गुड, बट सो फार एज एकेडमिक्स इज कंसर्न दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये आपने शो करना है कल सर ने बड़े खूबसूरत जो है वो आपके इस नेक्स्ट टर्म के आवाज में होगी कि बेटे आपके अपने जो स्कोर है उनको मेंटेन करो, मेंटेन करेंगे अच्छे बच्चों को सर अच्छे रिजल्ट देंगे तो आपकी अवेलेबल होगी, जहाँ तक हम आपको एक्सपोजेट कर सकते हैं, अच्छी जगहों पर ले जा सकते हैं, अच्छे एक्सपोजर्स लाइफ के दे सकते हैं, उसके लिए हम पीछे नहीं। तो प्रूव योरसेल्फ, बी गुड पीपल, जो आदतें अपना रहे हैं हमेशा के लिए अच्छाई की बुनियाद पर अपनाना शुरू करें। ओके, यस सर, गॉड ब्लेस यू ऑल।